असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज टेगाना, बीएससी थर्ड ईयर का अपन जूलॉजी का जो सेकंड ईयर उसका अगला चैप्टर लेते हैं अपन, फ्रेश वाटर इकोलॉजी या स्वच्छ जलीय जो आवास है पारिस्थितिकी के उसके संबंध में आज अध्ययन करेंगे। जैसे हम जानते हैं 71% के आसपास वाटर है पृथ्वी पर, जो अधिकांश जो है वो समुद्रों के रूप में है, जिसको अपन मैराइन हैबिटेट या मैराइन इकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और दूसरी जो बहुत कम मात्रा में है, दैट इज फ्रेश वाटर या स्वच्छ जली जो स्रोत हैं, जिसमें तालाब हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, झरने हैं, जिसमें लवण की मात्रा बहुत कम होती है, जिसे उनको फ्रेश वाटर कहा जाता है, और पीने के पानी है ये। तो इस टॉपिक के अंतर्गत अपन फ्रेश वाटर कौन कौन से, इसमें क्या क्या इनके कैरेक्टर्स हैं और कौन कौन से इनमें किस तरह के बायोटा या जीव पाए जाते हैं, एक टर्म यूज करते हैं अपन इसके लिए, लिम्नोलॉजी, स्टडी ऑफ ए फ्रेश वाटर इको सिस्टम। जलीय जो स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसका अध्ययन अपन करते हैं, उसको हम कहते हैं लिम्नोलॉजी। और इट इज ए स्पेशलाइज सब कैटेगरी ऑफ द ओवरऑल स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। इकोलॉजी में अपन अध्ययन करते हैं जीव जंतु और पर्यावरण के बीच संबंध होगा, तो इसकी एक सब कैटेगरी है फ्रेश वाटर इकोलॉजी, जिसके अंतर्गत अपन अर्थ के जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जिसमें झीलें, तालाब, नदियाँ, स्ट्रीम्स, झरने वगैरह, वेटलैंड्स हैं, नम भूमि, इनका अपन अध्ययन करते हैं और इसकी बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन करते हैं। अब इनका जो फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर क्या इफेक्ट है, लाइट का पेनिट्रेशन क्या रहता है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, वो इसके कुछ इम्पोर्टेंट लक्षण है इस फ्रेश वाटर इकोलॉजी सिस्टम के। इस फ्रेश वाटर इको सिस्टम को भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक है लेंटिक और दूसरा है लोटिक। लेंटिक है जो स्थिर है, स्थिर स्वच्छ जलीय स्रोत जो है, ठीक है, जैसे तालाब है, झीलें हैं, जिसको अपन कहते हैं लेंटिक हैबिटेट, काम शांत फ्रेश वाटर हैबिटेट और स्टैंडिंग वाटर जो है। दूसरा है लोटिक, बहता हुआ पानी, ठीक है, जैसे नदियां हैं, ठीक है, झरने हैं, दैट इज लोटिक हैबिटेट कहलाता है। दो इसके मुख्य प्रकार है, लेंटिक और लोटिक हैबिटेट। लैक्स झीलें इज ए बॉडी ऑफ रिलेटिवली स्टिल फ्रेश वाटर ऑफ कंसिडरेबल साइज, जो एक बेसिन में लोकलाइज्ड होती है और सराउंडेड बाई लैंड, भूमि के द्वारा चारों तरफ से भूमि के द्वारा घिरी होती है। पॉन्ड्स भी है, स्टैंडिंग वाटर है, नेचुरल और मैन मेड हो सकते हैं, ठीक है, और झीलों से थोड़े छोटे होते हैं। नम भूमि है, वेटलैंड जिनको स्वाम्प कहते हैं, स्वाम्प दलदली भूमि है, इज ए वेटलैंड दैट इज फॉरेस्टेड, चारों तरफ से खूब सारे पेड़ पौधे यहाँ लगे होते हैं, ये भी एक प्रकार का लेंटिक हैबिटेट है। ये सब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का सब टाइप है। बॉग भी है, ये बॉग भी एक वेटलैंड है, ठीक है, इसमें जो डेड प्लांट मटेरियल होते हैं वो डिपोजिटेड रहते हैं मुख्य रूप से इसमें मॉस आते हैं, ठीक है, ड्राईफाइट्स हैं, इनको हम कहते हैं बोग, ये भी लेंटिक हैबिटेट है। झरने आप देख रहे हैं, ये लोटिक हैबिटेट है, गतिशील है। रिवर्स, नदियाँ ऑल्सो क्या है, लोटिक हैबिटेट है। स्ट्रीम, बहती हुई जल धाराएं, थिन बॉडी ऑफ वाटर है, विच इज ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, इसको ऑफनली क्रीक या ब्रुक भी कहते हैं। अब इनके जो फैक्टर्स होते हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स इस फ्रेश वाटर इकोलॉजी, टेम्परेचर है, तापमान,
तापक्रम की जो विभिन्नताएं हैं वो जलीय आवास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अधिक गहरे जलीय आवास के अतिरिक्त जो स्वच्छ जलीय आवास है उनमें टेम्परेचर का परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है। इसका कारण है कि जल की जो विशिष्ट उष्मा होती है वो ज्यादा होती है और जल का घनत्व भी उच्च होता है। समुद्री आवास की तुलना में जो स्वच्छ जल है वो अत्यधिक परिवर्तनशीलता प्रदर्शित करता है। 3 मीटर गहरे आवास में तो दिन और रात्रि के मध्य लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर देखा गया है। तो गहरे आवास के बजाय जो फ्रेश वाटर बॉडीज हैं उनमें टेम्परेचर का वेरिएशन थोड़ा कम होता है। अगला है जो जल धाराएं हैं, वाटर करेंट्स। स्थिर जल तंत्र में वायु के वेग के कारण जल धाराएं उत्पन्न होती हैं, जबकि जो गतिशील तंत्र है उस पानी का, उसमें पानी का बहाव जल की मात्रा और भूमि के कम या अधिक ढालू होने पर निर्भर करता है। जलीय जीवों तो जल धाराएं जो प्रमुख नियंत्रक होती हैं। जल धाराएं जल में गैस है, लवण है और पोषक पदार्थों की विलायकता पर प्रभावी प्रभाव दर्शा करके जीवों के वितरण को प्रभावित करती हैं। ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता। जल की पारदर्शिता कारण ही गहराई में पड़ी वस्तुएं भी दिखाई देती है। स्वच्छ जल में अधिक पारदर्शिता कारण प्रकाश की जो भेदन क्षमता होती है वो अधिक होती है, इसलिए हम गहराई तक देख सकते हैं। और अनेक प्रकार के जो पदार्थ जैसे मिट्टी है, रेतिकण है, जलीय पौधे हैं, इनकी उपस्थिति में जो ट्रांसपेरेंसी है वो प्रभावित होती है और गंधलापन जो बढ़ जाता है। और सूर्य का जो प्रकाश है वो पानी में गहराई तक जाने की क्षमता जो है वो पानी के गंधलेपन से प्रभावित होती है। यदि पानी बहुत स्वच्छ है, साफ है, तो प्रकाश का जो पेनिट्रेशन होता है वो भी काफी अंतर गहराई तक हो सकता है। और यदि पानी स्वच्छ नहीं है तो उसका प्रकाश का जो प्रवेश है वो भी कम गहराई तक होगा और वो सीधा जीवों की उपस्थिति पर प्रभाव डालता है। उसके बाद है रेस्पिरेटरी जो गैसेज हैं, जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन लिमिटिंग फैक्टर है इनके लिए। और जलीय श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन आवश्यक है, जिसे हम प्राणियों भी कहते हैं, वो जल में घुली घुलित अवस्था में पाई जाती है। तो जितनी ज़्यादा वाटर फ्रेश होगा उसमें उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व होगी, उतनी उसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, जीव जंतु की उपस्थिति भी ज़्यादा होगी बजाय गंदले पानी के। ये विसरण के द्वारा जो जलीय जीव है, जलीय पौधे जो हैं, वो विसरण के द्वारा इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद कॉस्टो बायोजेनिक सॉल्ट्स हैं, लवण वगैरह, उनकी उपस्थिति भी रहती है। नाइट्रेट और फॉस्फेट सीम टू बी लिमिटिंग इन ए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो ये लवण पाए जाते हैं, नाइट्रेट, फॉस्फेट, कैल्शियम, अन्य जितने भी सॉल्ट हैं, ये भी जीवों की और पौधों की डाइवर्सिटी को इफेक्ट डालते हैं। किस प्रकार का इनमें इतना कितना लेवल है इनका। और जैसे हम जानते हैं समुद्री पानी की अपेक्षा स्वच्छ जल में लवणता की मात्रा बहुत कम होती है, लगभग 1.8% मानी गई है। और समुद्री जल है उसकी सॉल्ट कंसंट्रेशन 3.5% मानी गई है, तो उसकी तुलना में बहुत कम इसमें लवणता होती है, जो इनके इसके गुणों को, अन्य गुणों को प्रभावित करती है और इसमें पाए जाने वाले जंतुओं की संख्या को भी प्रभावित करती है। मेजर ग्रुप्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, इनको अपन वो 3 भाग मान सकते हैं। ऑटोट्रॉप प्रोड्यूसर्स जो हैं, उत्पादक जो हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, स्वपोषी जो हैं, इसमें शैवाल हो सकते हैं या अन्य छोटे पौधे हो सकते हैं। और एक कुछ मैक्रो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, और सेफोट्रॉप्स हैं जो माइक्रो कंज्यूमर्स या डिकम्पोजर्स। किसी भी पारिस्थितिक घटक के 3 अपन महत्वपूर्ण घटक होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, वो ही इसमें है। अब इसमें जो लाइफ फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, किस तरह के जीवों को अपन वर्गीकृत कर सकते हैं स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक पाए जाने वाले जीवों को, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसको हम 5 प्रकारों में बांटते हैं लाइफ फॉर्म्स। सबसे पहले है मोड ऑफ लाइफ के आधार पर बेंथोस, जो बिल्कुल पेंदे में, बॉटम में रहते हैं, रेस्टिंग और लिविंग इन द बॉटम, जैसे पायला और स्नेल है, तो ये इन्हें इनको हम कहते हैं बेंथोस। पेरिफाइटोन, ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स। ठीक है, तो ऐसे जीव जो जलीय पादपों रहते हैं या चिपके पाए जाते हैं, उनकी जड़ों में पाए जाते हैं, उनको पेरिफाइटोन कहते हैं। ठीक है,
जैसे एल्गी हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, या पॉन्ड स्नेल हैं, डैम सेल, वर्टिसेला हैं, हाइड्रा, ठीक है, ब्रायजोआ हैं, ये सभी पेरिफाइटोन हैं। और थर्ड जो है नेक्स्ट प्लैंकटॉन, प्लैंकटॉन या प्लवक कहलाते हैं, उन छोटे छोटे जंतुओं और पादपों को देखा जाता है जिनमें स्वयं का गमन या गति करने की क्षमता इतनी नहीं होती है कि वो जल धाराओं की उपस्थिति में अपनी इच्छा से स्थान परिवर्तन कर सकें। दैट इज फ्लोटिंग, जैसे पानी के फ्लोट के साथ ही वो भी फ्लोट होते रहते हैं, तैरते रहते हैं, हल्के होते हैं। डेफनिया, साइक्लोप्स, रोटिफर्स, ये प्लैंकटॉन कहलाते हैं। तो उनका मूवमेंट जो है वो डिपेंड ऑन द करेंट, जल धारा की उपस्थिति पर निर्भर करता है। जिधर जल धारा बहती है उधर वो बहते रहते हैं। लाइट वेट है। नेक्टॉन स्विमिंग ऑर्गेनिज्म एबल टू नेविगेट। तो नेक्टॉन थोड़े बड़े प्राणी हैं जो अपनी इच्छा से तैर सकते हैं, जैसे फिशेज हैं, ठीक है। और अन्य भी हैं जैसे फ्रॉक्स हो सकते हैं, टेडपोल्स हैं, ठीक है, और तालाब में रहने वाले जो बगुले हैं, ठीक है, बतख बतख हो सकती हैं, ये सभी क्या है, नेक्टॉन्स हैं। और अगले हैं न्यूस्टोन। तालाब की सतह पर वायु और जल के जो मिश्रित वातावरण में रहने वाले जंतु हैं वो इस वर्ग में आते हैं, और प्लावित होने के कारण ये सतह पर दृष्टि को जोते रहते हैं, नीचे भी जा रहे हैं, वापस ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, सरफेस से आसपास रहते हैं। तो इसमें जलीय मकड़ी है, बिटल्स हैं, अनेक प्रकार की मछलियाँ, ठीक है, सेलामेंडर, कछुए, ये सभी न्यूस्टोन्स के उदाहरण हैं। अब है जॉन्स, इनको अपन मेजर जो जॉन्स कौन कौन से हो सकते हैं फ्रेश वाटर बॉडी के, तो उसको अपन देखते हैं। इसको अपन एक है इसका लिटोरल जोन, और एक है फोटिक जोन, और एक है प्रोफंडल जोन, ठीक है। ये तीन जोन हैं इस स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र के। पहला लिटोरल जोन या तटीय क्षेत्र जो है, जो तालाब का उथला किनारे वाला क्षेत्र है जहाँ प्रचुरता में प्रकाश की उपलब्धता रहती है और पादप अपनी जड़ें जमाए बोलता पाए थे, उसको अपन लिटोरल जोन या तटीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, तट वाला क्षेत्र जो है। उसके बाद है लिमनेटिक जोन या प्रकाशित क्षेत्र इसको कहते हैं, जहाँ पर प्रकाश प्रचुर मात्रा में पहुंच सकता है। तो खुले जल का वह संपूर्ण भाग जहाँ तक प्रकाश पहुंचता है इस क्षेत्र की रचना करता है, और ये क्षेत्र खुले जल में अत्यंत नीचे उस स्तर तक हमारा संचरण की दर है, प्रकाश संचरण की दर है जीवों की श्वसन दर के बराबर तक हो जाती है, ठीक है। तो जहां तक प्रकाश अच्छे से पहुंच सकता है और प्रकाश संचरण दर है वो जीवों की श्वसन दर के बराबर तक हो जाती है, दैट इज लिमनेटिक जोन कहलाता है। और उससे नीचे वाला जो जोन है उसको अपन कहते हैं प्रोफंडल जोन या गंभीर क्षेत्र। तो ये अंधकार युक्त है, नीचे वाला गहरा और पेंदे तक फैला हुआ क्षेत्र है जिसको अपन प्रोफंडल या एफोटिक जोन कहते हैं, जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा इसको अपन और बांट सकते हैं, रैपिड जोन और पूल जोन बांट सकते हैं। शेलो वाटर है, छिछला पानी, जहां पर वेलोसिटी ऑफ करंट इज ग्रेट एनफ, धाराओं की जो गतिशीलता वो खूब ज्यादा होती है, दैट इज रैपिड जोन। और डीपर वाटर वेयर वेलोसिटी ऑफ करंट इज रिड्यूस, जहां पर गहरा पानी, जहां वेलोसिटी ऑफ करंट जल धाराओं की जो गति है वो कम होती है, उसको अपन पूल जोन कहते हैं। और ये पॉन्ड इकोसिस्टम है जिसमें अपन देख सकते हैं कौन कौन से इसमें बायोटा है, बायोटिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स है, एल्गी है, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं, जलीय पादप जो है वो सब प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्रस्टेशिया प्रोटोजोआ सेकेंडरी है, इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट लार्वी वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो सकते हैं, और टर्शरी कंज्यूमर जो फिशेज हैं या अन्य जो है वो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, और सुपर कंज्यूमर्स होते हैं बाकी जो तालाब में रहने वाले अन्य पक्षी वगैरह जो हो सकते हैं, बगुले वगैरह, वो टॉप कंज्यूमर्स हैं। और डिकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया हैं,
फंजाई वगैरह जो है वो डिकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया फंजाई माइक्रोब्स दैट आर डिकम्पोजर्स। तो सभी बायोटिक फैक्टर्स हैं, एबायोटिक फैक्टर्स लाइट वाटर है, ये मिनरल्स हैं, हीट है, टेम्परेचर, ये सभी एबायोटिक फैक्टर्स हैं पॉन्ड इकोसिस्टम के। तो एक ये कुछ महत्वपूर्ण इसके कैरेक्टर्स और अन्य लक्षण थे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इसका अपना अगला करेंगे मेराइन इकोलॉजी या मेराइन हैबिटेट के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। कोरोना काल में स्वयं प्रेरणा से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, जैसी भी परिस्थितियां उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करते हुए हमें इस कोरोना काल में अपने आप को मेंटेन रखना है। थैंक यू।